एक और सरप्राइज है जो कि अभी ह्यू को मिलना है चाचू की तरफ से। तो वो क्या है ह्यू, खुद ही बताएंगे। तो ह्यू को गिफ्ट मिलने वाला है साइकिल, तो अभी हम लोग उसी को पिक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद घर जाएंगे। तक पहुंच जाएंगे तो रोक के हम लोग साइकिल चलाएंगे मम्मा के साथ। ओके, और दादा और दादी और बाबा कार में रहेंगे। ठीक है। अभी हम लोग ह्यू के रिटर्न गिफ्ट को पैक कर रहे हैं, तो इसको हमने फिल कर दिया है। तो ये है पेंसिल बॉक्स, और हमने 45 किड्स के लिए लिया है रिटर्न गिफ्ट, तो इधर भी है और कुछ इधर है। तो मिस्टर झा मेरा हेल्प कर रहे हैं इसको फिल करने में। क्या सब डाले हो इसमें? पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और चॉकलेट। तो हमने इस, हमें अच्छा नहीं लगा कि इसको हम लोग खाली दें, तो हमने सोचा कि इसको इसमें कुछ डाल देते हैं बच्चों के लिए। तो इसमें हमने यही पेंसिल और इरेजर, शार्पनर और ये दो चॉकलेट जेली, तो हमने इसमें इसको डाल के मैंने सोचा दे देती हूँ। तो फटाफट से इसको हमें पैक करना है गिफ्ट रैप में, और उसके बाद जो है ह्यू, तो फटाफट से इसको मैं पैक करूँगी। इसके बाद ह्यू का जो आज जो हम 12 बजे रात में केक कट करने वाले हैं, तो ऑर्डर दे चुकी हूँ मैं, तो उसको लेके आऊँगी। उसके बाद घर का थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें जो है कल सुबह से लेके कल रात तक पूरा बिजी रहना है, बहुत थकावट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने सोचा है कि छोटा मोटा जो है डेकोरेशन करके उसको खुश कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेंगे, सामान सब मैं ले आई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले जो है ह्यू वहाँ के कल का सारा काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि रिटर्न गिफ्ट पैक करना हुआ और भी सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो अभी जल्दी से फटाफट से रैप करते फिर आपको दिखाते हैं। चॉकलेट चोरी कर रही हो जेली, गंदी बात। चोर ही उन्हें पहले ही अपना रिटर्न गिफ्ट ले लिया। खुद के बर्थडे में कौन रिटर्न गिफ्ट लेता है ही यू? बट अच्छा है, रख लो। तो ही उन्हें अपना रिटर्न गिफ्ट ले लिया है, और यहाँ पे मेरा सारा जो है गिफ्ट पैक हो गया है। कुछ कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत अभी इधर पैक करना बाकी है, और कुछ इसमें बाकी है, तो अभी टाइम लगेगा पैक होने में। इधर 15 है, और ही गुड गर्ल के तरह मेरा बहुत सारा हेल्प कर रही है। अभी बेचारी सो के उठी है और सारा काउंट कर कर के सारे गिफ्ट को रख रही है, अपने बर्थडे पे खुद ही काम कर रही है। वाह, गुड, अच्छे से रखो, तो जल्दी जल्दी, गुड गर्ल। कितना हुआ? 4 हुआ है, 4 मैंने काउंट कर लिया, 4 है ना। चलो जल्दी जल्दी रखो, 5 हाँ, 6 वेरी गुड, 7 चलो मेरा लास्ट है, मैं रैप कर लेती हूँ, तब तक तुम करो। ये ले लिए चलो ठीक है, चलो अब मिल्क पी लो जल्दी से। चलो जल्दी से अब निकलो, अब फिर तुम्हारे वहाँ का भी डेकोरेशन करना है ना, चलो, रात के बर्थडे का। ठीक है, निकल। तो अभी मैं आई थी ह्यू के लिए कुछ लेने के लिए, तो मुझे कड़ा लेना था उसके लिए सिल्वर का, तो इनके पास मुझे मिल गया, और काफ़ी खूबसूरत कड़ा है, तो मैं उसको बर्थडे पे सोची कि यही गिफ्ट करूँगी। तो काफ़ी हैक्टिक चल रहा है मेरा टाइम, और उसमें से टाइम निकाल के मैं आई थी ह्यू के लिए कुछ लेने के लिए। अगर मैं कुछ भी नहीं लेती तो मुझे बहुत बुरा लगता, बाद में अगर मैं देती भी तो। वैसे तो सब कुछ उसी का है, जो भी मैं उसको सरप्राइज़ देने वाली हूँ वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था कि उसको छोटा सा कुछ तो ऐसा दूँ जो उसको यूज़ करे वो। तो इसके लिए मुझे सडनली आइडिया आया कि मैं उसको कड़ा पहनाती हूँ, तो उसके लिए मैं न्यू कड़ा लेके आऊँगी। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत सा कड़ा मिल गया, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो उसको काफ़ी टाइम तक चलने वाला है ये कड़ा। और अभी जा रही हूँ ह्यू के लिए, एक और गिफ्ट मुझे पापा के तरफ से लेना है, पापा पैसा भेज दिए हैं, तो उसको कैसियो लेना था ह्यू को, तो पापा बोले उसको कैसे भी कैसियो लेके आने के लिए। तो मेरे पास इतना ढेर सारा काम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी
क्योंकि पापा का मन था तो मैं ले आ गई हूँ लेने के लिए कैसियो। तो चलिए कैसियो के शॉप पे चलते हैं। यह है ग्लोबल बेबी स्टोर करके है, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। ये खाने वाला दो आदमी के लिए। ओके, तो कैसियो आपके पास यही है ना छोटे बच्चों का, मतलब इसे बड़ों वाला नहीं है ना? ओके, एक बार चेक करके दिखा सकते हैं क्या? दिखा दी। माइक वगैरह है क्या जो गाना गाने वाला इसमें है? दिखा दीजिए फिर। और वो भी है क्या आपके पास? हाँ, ये पंचिंग बैग ना, वो भी देख लेती हूँ मैं, वो भी धर ले। तो इसको प्लग करके यूज कर सकते हैं, राइट? चलिए, मेरा मन था कि थोड़ा अच्छा वाला कीबोर्ड लेके जाएं। नहीं, बच्चों के लिए यही बस है, बड़ा लोग वो पूरा कैशो का बड़ा लोग खेलने का। कितने का आता है वैसे वो वाला? 2.5-3 3000 ना, अच्छा आ जाएगा। वो है उसके पास, डॉल हाउस तो है। ये कौन सा है, पार्टी होम? डॉल हाउस आएगा वो। ओ, ये तो उसके पास है, डॉल हाउस आएगा। तो यहाँ पे मुझे कैशियो उतना अच्छा मिल नहीं पाया जो मुझे चाहिए था, तो उन्होंने बोला है कि HSR में एक बार ट्राई कर लेने के लिए। तो अभी मैं HSR जा रही हूँ, देखती हूँ वही मिलेगा। कर दिया। हाँ हाँ, इसीलिए कि और दीवार में चिपक जाते हैं, वो निकलते तो बहुत खराब। Happy birthday! Thank you. To you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello. Happy birthday to you. मैंने केक कटा रहा छे। जो कि हो चुका है। ठीक है ही हो? हाँ। Very good. एक बार और मम्मी, एक बार और। ही स्माइल करो, बर्थडे पे लोग स्माइल करते हैं। कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे ये बोलो। बहुत अच्छा। हाँ। ना। अच्छा, दादी के लिए बोलो कुछ। दादी आई तुम्हारे बर्थडे पे, तुमको कैसा लगा? अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा फील हुआ या अच्छा हो लगा? अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा लगा ना? लगा भी। हाँ। अच्छा लगा। मम्मी सुते ले। बाय बोलो दादी को। बाय बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट। बाय बाय, सी यू टुमारो। ठीक है, सी यू टुमारो। तो ये था ह्यू के बर्थडे का छोटा सा डेकोरेशन जो कि मैंने घर पे ह्यू को सरप्राइज दिया था, और ह्यू को बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा लगा ना ह्यू? बहुत ज्यादा। चलो अच्छी बात है। तो अब हम लोग बहुत थक गए, अभी जा रहे हैं सोने के लिए, सुबह उठना भी है। तो फिर सुबह मिलते हैं और दिखाएंगे आप लोगों को कि कल कैसे क्या सब होता है, ह्यू का बर्थडे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और क्या सरप्राइज है जो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ तो सरप्राइज है ह्यू के बर्थडे पे, तो बहुत बड़ा सा सरप्राइज है, लेकिन आपको कल देखने को मिलेगा कि क्या सरप्राइज है ना ह्यू? ठीक है, ओके। उठा, बर्थडे विश करो। तो नायरा जी आ गई हैं ह्यू को बर्थडे विश करने के लिए सुबह सुबह। देखो हगी दो, तुम्हारे वजह से कल इसका पूरा मूड ऑफ था। हगी करो। चलो नायरा केक खाओगी? हाँ। हम देते हैं।
हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूँ दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज है बहुत ही खास दिन क्योंकि आज है ह्यू का बर्थडे और अब हम लोग जो हैं तैयार हो चुके हैं। खाना वाना हमारा बन चुका है, सारे लोग तैयार हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम लोग अपने न्यू मेम्बर का स्वागत करने के लिए। तो कोई है जो कि आने वाला है हमारे घर, तो जिसका बेसब्री से हमें इंतज़ार था, फाइनली आज वो आ रहा है। तो कौन है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और आज मैंने वियर किया है ये ब्यूटीफुल साड़ी जो कि मेरी मम्मी जी लेके आई है मेरे लिए, मुंडन पे ली थी और उसी को मैंने पहना है। तो मैंने सोचा कि आज इतना खास दिन है, ह्यू का बर्थडे है, तो हम सब मुंडन वाला कपड़ा पहनेंगे जो कि मम्मी नहीं आ पाई थी इस वजह से। तो ये मैंने मम्मी ली थी मेरे लिए ये साड़ी मुंडन वाला, तो वो मैंने पहना है। ह्यू पहनी है अपनी पिसी माँ का दिया हुआ मुंडन का ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ह्यू गई हुई अपने चाचू के साथ साइकिल लेने के लिए अपना बर्थडे गिफ्ट। और अभी हम लोग घर पे तैयार होके बैठे हुए हैं, पापा जी, मम्मी जी, मिस्टर झा भी गए हुए हैं किसी काम से जहाँ पे हमें जाना है अभी रेडी होकर के। तो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में। और ये है मेरी मम्मी जी जो कि बहुत सुंदर लग रही है, और ये साड़ी भी मुंडन वाला ही है जो कि मैं मम्मी के लिए ली थी। और मम्मी वहीं पे जिस दिन ह्यू का मुंडन था उस दिन मम्मी ये साड़ी पहनी थी, तो वहीं से देख रही थी ये। तो और पापा जी का यहीं पे ड्रेस था कुर्ता, तो आज पापा जी भी मुंडन वाला ही पहने। हम सब मुंडन को एंजॉय कर रहे हैं ह्यू के बर्थडे पे। तो अभी हम लोग निकलेंगे, वहाँ से आएंगे तब खाना पीना होगा, उसके बाद फिर बर्थडे की तैयारी शुरू हो जाएगी जाने की। तो तैयारी तो 2 बजे के बाद भी वहाँ पे होटल में शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हम लोग जो है निकलेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू फैमिली मेम्बर को लेने के लिए और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मम्मी जी, पापा जी, रिशु और मिस्टर शाह, हम सब यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे फ्रेंड्स भी, विकास जी, कुणाल, सब तो बहुत एक्साइटेड है। अब बस फेस रिवील होने ही वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है। यहाँ पे रेडी है, अब इसका फेस रिवील होने वाला है। ह्यू हैप्पी? तो ये है ह्यू के बर्थडे का गिफ्ट हम सब के तरफ से, ठीक है? Happy? तो ये था हमारा सरप्राइज और न्यू फैमिली मेंबर जो कि हमने ह्यू के लिए लिया है ह्यू के बर्थडे पे। बैसु एमर देखियो पापा का जी, और पेस्ट हाथ पर हाथ दियो ना। हां हाँ। एमर देखियो रिसु अहु सीख ले मुंडा रहवा चाहिए, सब गेट बंद कर देता। गेट बंद कर दो, पता नहीं निकलेगा। देखिए इधर देखो, इधर देखो, स्टार्ट करो।
चलिए भाई कुछ नहीं है बेचारी पीछे बैठ के आई आ गई चलो गुड गर्ल आज आप लोग को चला के दिखाऊंगी साइकिल और बताऊंगी भी किसने दिया तो ये साइकिल दिया है और किस लिए ये भी तो बताओ नहीं तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है ये इसलिए हाँ चलो अच्छा लगा और ह्यू ये अपने पसंद से लिए है ना ह्यू हाँ हाँ वेरी नाइस चलो तो ह्यू अपने बर्थडे पे अपने चाचू को लूट चुकी है और बहुत ही अच्छा साइकिल उसको गिफ्ट में मिला है और ये शॉप भी बहुत अच्छी है HSR में है और ह्यू काफ़ी खुश भी है अपने साइकिल से उसने अपने अपना फेवरेट कलर लिया है पिंक कलर और ये कितने का आया है 6300 हाँ 300 तो ये ओके तो ये है 6300 की साइकिल ओके और ये काफ़ी अच्छी भी है गुड ही उसको काफ़ी टाइम तक चला सकती है इसका हाइट भी एडजस्ट होता है ह्यू छोड़ दो उसको तो ह्यू का गिफ्ट लेने के बाद सरप्राइज गिफ्ट लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ तो अगर मंदिर खुली होगी तो मंदिर में गाड़ी का पूजा कराते हुए हम लोग जाएंगे नहीं तो डायरेक्ट घर जाएंगे भूख से सबकी हालत है ख़राब किसी ने कुछ भी नहीं खा रखा है तो हम जल्दी से जाएंगे घर पे खाना खाएंगे उसके बाद फिर शाम की तैयारी शुरू हो तो हमने कार भी ले लिया तो हमारे गाड़ी की अभी पूजा हो रही है और लकली एक मंदिर खुली हुई थी जनरली यहाँ पे 5 बजे मंदिर खुलती है और सुबह के 11 बजे मंदिर बंद हो जाती है लेकिन ये मंदिर खुली हुई थी तो अभी पूजा हो रहा है हमारा आप जाओ आ जाओ ही हो नजरी